नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया स्पेशल। और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर मिल रही है रांची से। स्थानीय नीति पर झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की चर्चा चल रही थी, स्थानीय नीति पर सरकार कोई फैसला ले सकती है। आज सरकार ने स्थानीय नीति पर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में स्थानीय नीति को मंजूरी मिल गई है। अब अधिसूचना जारी होने के 30 साल से पहले के लोग स्थानीय कहलाएंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय नीति कट ऑफ डेट 1986 कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रांची से। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। हम आपको बता दें कि जो स्थानीय नीति की लगातार मांग हो रही थी और पूरा विधानसभा का बजट सत्र से स्थानीय नीति की भेंट चढ़ गया था। हम आपको बता दें कि सरकार ने स्थानीय नीति को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ कह दिया है कि 1986 से पहले जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंडी हैं, यानी कि वो स्थानीय कहलाएंगे। सरकार ने जो कट ऑफ डेट है वो 1986 माना है, और ये जो डेट है वो अधिसूचना जारी होने के दिन से मानी जाएगी, और उस दिन से 30 साल पहले तक के जो भी लोग होंगे वो स्थानीय कहलाएंगे। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले ही हम बता रहे थे कि स्थानीय नीति पर सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। फिलहाल विस्तार से जानना चाहेंगे कि स्थानीय नीति को लेकर सरकार ने क्या फैसला किया है। कोशिश ये की गई है कि 30 साल का गैप रखा गया है, यानी 1985 का कट ऑफ डेट रखा गया है। और ये कोशिश की गई है, पिछले 16 सालों में कुछ नहीं हो पाया था, वो सरकार ने मुद्दे पर निर्णय लिया है और पाएंगे। लेकिन ये है कि झारखंड में मनीष की आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मनीष, आपकी आवाज हम साफ नहीं सुन पा रहे हैं। दोबारा हम जाएंगे मनीष से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि झारखंड सरकार ने स्थानीय नीति को लेकर बड़ा फैसला लिया। हम आपको बता दें कि विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे थे और स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर पूरे विपक्ष में एकजुटता दिख रही थी। विधानसभा के बजट सत्र में झाविमो और जेएमएम के साथ ही कांग्रेस ने भी सुर मिलाया था। यहां तक कि बीजेपी के अपने विधायकों ने भी और आजसू के विधायकों ने भी सरकार पर दबाव बनाया था कि स्थानीय नीति को लागू करें। और कहीं ना कहीं बीजेपी के भी दिमाग में ये चल रहा था कि स्थानीय नीति बननी चाहिए। और झारखंड की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। स्थानीय नीति को लेकर सरकार ने फैसला ले लिया है और अधिसूचना जारी होने के दिन से 30 साल पहले तक, यानी कि जो भी 1986 से पहले से जो भी झारखंड में रह रहे हैं वो स्थानीय कहलाएंगे और सरकार की योजनाओं के हिसाब से उन्हें ही स्थानीय माना जाएगा। लगातार ये मुद्दा झारखंड की सियासत में सुर्खियों में छाया हुआ था। लगातार स्थानीय नीति को लेकर बयान दिए जा रहे थे नेता विपक्ष हेमंत सोरेन की तरफ से। सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि ये मामला सालों से लंबित पड़ा है स्थानीय नीति घोषित करने का। सरकार इस दिशा में गंभीर है और जल्दी ही इस पर कोई फैसला ले लिया जाएगा। हमने भी आपको पहले ही बताया था कि आज जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उसमें स्थानीय नीति को लेकर कोई ठोस पहल दिख सकती है और कोई ठोस फैसला लिया जा सकता है। सरकार ने फैसला ले लिया है। 1986 से पहले से जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंडी हैं, उन्हें स्थानीय माना जाएगा। बड़ा फैसला, यानी कि जिस दिन से यह अधिसूचना निकलेगी उसके 30 साल पहले तक, यानी कि 1986 है वो कट ऑफ डेट है, उससे पहले जो भी लोग झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंडी हैं, उन्हें उन्हीं सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और उनको ही स्थानीय माना जाएगा। हम आपको बता दें कि झारखंड में बड़े पैमाने पर लोग बाहर से आकर बसे हैं, कई शहरों को आबाद किया है। इसको लेकर स्थानीय नीति में एक पेच फंस रहा था और लगातार दबाव बनाया जा रहा था सरकार के ऊपर, और सरकार भी कह रही थी कि एक मामला है जो सालों से अटका पड़ा है, इसका समाधान निकाला जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले जब भी चर्चा चलती थी 1932 के खतियान की बात होती थी और विपक्ष ये कहता था कि जो 1932 की बात होती है उससे पहले के जो लोग हैं वो स्थानीय हैं। लेकिन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, 1986 से पहले जो लोग होंगे वो झारखंडी कहेंगे। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार सिंह। मुकेश जी, सरकार का ये जो फैसला है वो पहली नजर में किस रूप में देखते हैं, क्योंकि विपक्ष की जो मांग थी, क्या इस फैसले पर विपक्ष एकमत नजर आएगा? दो चीजें बहुत स्पष्ट रूप से नजर आ रही हैं कि जो फैसला लिया जा रहा है उसमें जो राजनीतिक विचार विमर्श की परिपाटी रही है, राजनीतिक बड़े राजनीतिक फैसले को और विशेष स्थानीयता की नीति को लागू करने के लिए जो जिस ढंग से एक परिपक्व राजनीतिक विचार विमर्श की आवश्यकता थी,
वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो होना चाहिए था और उसके बाद ही कैबिनेट का निर्णय आना चाहिए था। और कैबिनेट जो निर्णय ले रही है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल जो निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आंसू भी है और अन्य जो झारखंड विकास। जी बिल्कुल मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय देने के लिए। तो मुकेश कुमार सिंह हमें बता रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक की जिस तरीके से गंभीर विचार विमर्श किया जाना था इस फैसले को लेकर, वो नजर नहीं आया। हालांकि सरकार ने फैसला ले लिया है, सरकार ने पहले भी भरोसा दिलाया था कि वो फैसला ले सकती है और सरकार ने फैसला लिया भी है। अब तमाम पार्टियों की राय आ रही है, उसको भी देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार के इस फैसले को किस रूप में देखती है, क्योंकि पूरे विधानसभा के बजट सत्र में हमने देखा था कि विपक्ष ने लगातार सरकार पर दबाव बनाया था। झारखंड सरकार के स्थानीय और नियोजन नीति पर राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आइए सुनते हैं इस मामले पर राजनीतिक दलों के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है। को स्थानीय नीति नियोजन नीति की मांग एक लंबे समय से चल रही है और अब देश के हर हिस्सों में भी देखेंगे कि हर राज्यों के लिए अपनी एक डोमिसाइल पॉलिसी है और इस राज्य में कोई डोमिसाइल पॉलिसी नहीं रहने के कारण यहाँ के छात्र नौजवान पढ़े लिखे लोगों को खास करके तृतीय चतुर्थी वर्गीय कर्मचारियों की बहाली में भी प्राथमिकता नहीं मिलती है। और इससे कहिए कि पूरे राज्य के पढ़े लिखे नौजवान अपने आप को ठगा हुआ उपेक्षित महसूस कर रहा था और आपने देखे कि सदन के अंदर भी बाहर भी लोगों की मजबूत डिमांड थी। और ये सरकार यदि स्थानीय नीति ला रही है तो अच्छी बात है, उसको अविलंब लाना चाहिए। केवल ये केवल रोजगार से संबंधित ये बातें नहीं है, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनके प्रति क्या सरकार उनको कैसा संरक्षण दे रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ केवल क्या आप पे कट ऑफ डेट कर देते हैं सरकार, अगर कोई कट ऑफ डेट करती है तो केवल वो एक नौकरी से संबंधित नहीं है। मैं समझता हूँ कि और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चाहे जहाँ पे आप अगर हम जिसे कह सकें विकास के कार्यों में जो ठेकेदारी की भी बात होती है, आप उनको उनमें आप क्या करें, सरकार उनमें क्या है, उनको उनमें किन को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं, वो भी एक फैक्टर है। क्योंकि नौकरी में जहाँ तक बात है वो सरकार केवल 1% ही वो नौकरी दे सकती है। तो इसलिए मैंने कहा रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, इसलिए मैंने कहा कि इसको कोई हड़बड़ी की बात नहीं है और इसलिए मैंने कहा कि बहुत विस्तार से और संपूर्णता और टोटैलिटी में सरकार को निर्णय लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी सारी चीज़ें आ जाए और जो मुझे फीडबैक मिला है वो मैं समझता हूँ बहुत सुखद नहीं है। जो प्रावधान होने थे वो नहीं है, इस पर हम लोगों को काफ़ी चिंता है और इस चिंता को दूर करने के लिए हम लोग अपने सरकार के हमारे मुखिया से हम लोग बात करेंगे। जैसे शिक्षक नियुक्ति नियमावली है या कारापाल नियमावली है, कारापाल पद के लिए तो अलग पद पद हर पद के लिए जो नियमावली बनती है वो अलग अलग होते हैं। अब वहाँ संशोधन हो करके यहाँ के झारखंड के जो भूमि पुत्रों को अधिक से अधिक किस प्रकार से उनको अवसर मिले सेवा का अपने राज्य का, इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत है और इस पर समग्र रूप से झारखंड आदिवासी सदन एक मत है और इस पर चिंता करना ही है। तो स्थानीय नीति को लेकर झारखंड सरकार ने फैसला कर लिया है। हम आपको बता दें कि 1986 से पहले जो लोग झारखंड में रह रहे हैं वो झारखंडी हैं, उन्हें स्थानीय मानेगी सरकार कैबिनेट के फैसले के मुताबिक। सरकार ने एक बड़ा फैसला ये भी किया है कि अगले 10 सालों तक राज्य की नौकरियों में केवल स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी। यानी कि रोजगार के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लगातार स्थानीय नीति की मांग हो रही थी उसमें सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। एक तो 1986 से पहले के जो लोग हैं वो झारखंड में निवास कर रहे हैं वो स्थानीय हैं, और जो दूसरी बात निकलकर सामने आई है कि अगले 10 वर्षों तक राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी। राजनीतिक विश्लेषक मुकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। एक फैसला ये भी किया है झारखंड सरकार ने कि अगले 10 सालों तक केवल स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी झारखंड में, और जो दूसरी बात है कि ये जो 30 साल का जो आप देख रहे हैं 30 साल की जो अवधि है जो सरकार ने तय की है, क्या ये काफ़ी है किसी भी राज्य के लिए स्थानीय नीति के लिहाज से? रूप में जो दिखाई पड़ रहा है वो पहली बात तो ये है कि जो परिपक्वता राज्य सरकार को दिखानी चाहिए थी और कैबिनेट को लेनी चाहिए थी, राज्य के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं और जो राज्य की चिंतन करने वाले लोग हैं उनके साथ में एक दो मेजर आपस में मंत्रणा करके और जो कई सारी त्रुटियां जो दिखाई दे रही हैं अभी फिलहाल, तो उसमें
उसमें विचार विमर्श की जरूरत थी, जो परिपक्व निर्णय माना जाता उसकी कमी तो अभी दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात, स्थिति को स्थानीय लोग जो है यहाँ के जो आदिवासी है मूलवासी है वो किस ढंग से लेंगे, क्योंकि ये 86 के पहले की संख्या का कोई अनुपात नहीं बनाया गया है और 10 साल जो घोषणा की गई है कि 10 साल केवल स्थानीय लोग होंगे वो भी एक उचित निर्णय नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या उसकी मात्रा बढ़ाई जा सकती है, परसेंटेज बढ़ाया जा सकता था कि 90% जो है स्थानीय लोगों के 10% बाहर के लोग, जिससे कि दूसरे राज्यों से आने वाले लोग भी। मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार ने बड़ा फैसला लिया है स्थानीय नीति को लेकर। 1986 से पहले के जो लोग भी झारखंड में रह रहे हैं उन्हें स्थानीय मानेगी सरकार, और जो दूसरी अहम खबर है कि वो अगले 10 सालों तक केवल स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति होगी झारखंड की नौकरियों पर। तो ये बड़ी खबर, सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, पूरा बजट सत्र जो विधानसभा का बजट सत्र है वो स्थानीय नीति को ही की ही भेंट चढ़ गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता हैं हेमंत सोरेन, झारखंड विधानसभा में नेता विपक्ष, उन्होंने भी लगातार बयान दिए थे, जेवीएम की तरफ से भी लगातार बयान दिया गया था। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया, स्थानीय नीति पर सरकार ने नियम बना दिया है और अधिसूचना जारी होने के 30 साल पहले तक, यानी कि अब से लेकर 30 साल पहले तक, जो भी 30 साल पहले से जो भी झारखंड में निवास कर रहे हैं उन्हें सरकार ने स्थानीय माना है। एक और बड़ा फैसला लिया है कि अगले 10 साल तक केवल स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति झारखंड में नौकरियों में होंगी। और हम लगातार बात कर रहे हैं, झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 1986 से पहले जो भी लोग हैं उन्हें स्थानीय माना है सरकार ने। सरकार के मंत्री सरयू राय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनाते हैं आपको। और विचार विमर्श के बाद जो व्यापक राय बनी है उस राय को ही कैबिनेट ने एक प्रस्ताव के रूप में आज पारित किया है। तो सरयू राय जी ने और सरकार ने तो निर्णय ले लिया है। चंद्रप्रकाश जी, ये बताइए कि आप सहयोगी पार्टी हैं, क्या आपको ये निर्णय स्वीकार है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आप लोगों ने जेपीएससी का मामला उठाया था, क्या आप लोगों को ये निर्णय स्वीकार है? नहीं देखिए, अस्था सबसे पहला तो 2-3 निर्णय आज हम लोगों के हुए हैं और एक पहला निर्णय जो स्थानीयता को लेकर लगातार झारखंड बनने के बाद से हमेशा आंदोलन होते रहा, इसके लिए मांग होते रहा, तो आज हम लोगों ने परिभाषित कर दिया राज्य सरकार जो झारखंड में 30 साल से जो रह रहे हैं उनको स्थानीयता का हम लोग यहाँ पर मान्यता देंगे, बशर्ते जहाँ से पूर्व में रह रहे हैं वहाँ से उनको नो ड्यूज कहिए या वहाँ से NOC लाना पड़ेगा, तब हम लोग उसको सही हम लोग मानेंगे। साथ साथ जो 30 वर्षों से यहाँ सरकारी कर्मचारी हैं जो रह रहे हैं या उनको कोई प्रमाण वैसा देना होगा ताकि हम लोग उसको ही कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावे JPSC जो मामला बहुत काफ़ी रहा, जिसके चलते हंगामा भी होते रहा, और जो क्षेत्रीय भाषा को हटा दिया गया था उसको हम लोगों ने जोड़ दिया है, झारखंड की जितनी भी क्षेत्रीय भाषा है उसको अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य होगा कि सभी क्षेत्रीय भाषा? नहीं, सभी जो भी क्षेत्रीय भाषा, संथाल में संथाली, मुंडारी, पचपरगनिया, जो भी झारखंड के जो हमारा कुड़माली हो, जो भाषाएं हैं, इन सारे भाषाओं को अनिवार्य रूप से रहेगा और उसको अनिवार्य किया गया, जिससे यहाँ के लोग को भगदड़। मतलब आप और आपकी पार्टी जो है इस फैसले से पूरी तरह से संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, और भी दलों के और भी सामाजिक संगठन, सभी लोगों का राय आया और सभी लोगों को राय को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया। चलिए, कृषि मंत्री आप रणधीर जी, आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, क्या लग रहा है कि इस निर्णय को सभी लोग स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल, ये झारखंड के 3.25 करोड़ जनता के लिए ऐतिहासिक निर्णय है और रघुवर सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज कैबिनेट की बैठक में हम लोगों ने इसको स्वीकृत करने का काम किया है और ये झारखंड के बहुत अच्छे दिन आएंगे, जो यहाँ पर नीति को लेकर जो भी जो हमेशा एक लोगों के दिमाग में चली आ रही थी कि स्थानीयता कब लागू होगी, तो इस बार लागू हो गई है और आने वाले समय में लोगों को नौकरियों में यहाँ के लोगों का नहीं स्थानीयता नीति परिभाषित होगी, इसमें नियोजन की बात कहाँ से आती है। तो झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित है, सरकार इस पूरे फैसले को एक ऐतिहासिक फैसले बता रही है, लेकिन देखना यह है कि जो कट ऑफ डेट रखा गया है यानी आज से 30 साल पहले तक का, इस कट ऑफ डेट को क्या झारखंड की तमाम जनता स्वीकार करते हैं और तमाम जो संगठन है, राजनीतिक संगठन। कहां पसंद केपी सिंह के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। तो सरकार के मंत्रियों ने भी साफ कह दिया है कि सरकार ने जो फैसला लिया है वो लोगों की राय लेने के बाद ही किया है और झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है ये, सरयू राय ने कहा।
कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने कहा और चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी कहा। हम आपको बता दें कि सीपी चौधरी आजसू कोटे से मंत्री हैं, यानी कि सीपी चौधरी ने जो भी कहा वो माना जा रहा है कि आजसू की प्रतिक्रिया हो सकती है, आधिकारिक प्रतिक्रिया हो सकती है। और जो 30 वर्षों की जो मियाद है, 30 साल की जो अवधि है, अब इस पर तमाम पार्टियां क्या राय देती हैं उसके बाद ही पता चल पाएगा कि विपक्ष इस फैसले को किस नजरिए से देखता है, किस रूप में देखता है। लेकिन फिलहाल ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि 30 साल से पहले से जो भी झारखंड में रहेंगे झारखंड सरकार उन्हें स्थानीय मानेगी और अगले 10 सालों तक केवल राज्य में स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति दी जाएगी। जी मीडिया संवाददाता मनीष मेहता इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं। मनीष, आपने बात की सरकार के मंत्रियों से भी और ये जानने की कोशिश की इस फैसले को वो किस रूप में देख रहे हैं, लेकिन सवाल अगर विपक्ष का करें तो 1932 की बात हो रही थी, 1986 पे जाके मामला अटका है, तो 53 सालों का जो ये फासला है क्या इसको विपक्ष स्वीकार कर लेगा? देखिए, यही अहम सवाल है राजेश, जिसका जवाब जो है आने वाले 24 घंटों के भीतर मिलने वाला है, क्योंकि अगर आप सत्ताधारी दलों की बात करें तो बीजेपी हो या फिर आसू हो, दोनों ही पार्टियां जो है इस फैसले को ऐतिहासिक बताने में लगी हुई हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों में जश्न मनाने की तैयारियां चल रही हैं, रांची में भी कुछ इसी तरह का जो है प्लानिंग जो है वो सत्ताधारी दलों के तरफ से किया गया। थोड़ी देर के बाद आपको ढोल नगाड़े और आतिशबाजी जो है रांची के अलग अलग इलाकों में देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो क्या विपक्षी दल इस फैसले को स्वीकार करते हैं, ये अहम सवाल है। और इस सवाल को हमने तमाम जो झारखंड सरकार के जो मंत्री थे उनसे भी पूछा था, तो उस पर उनका कहना था कि कई पार्टियों का उन्हें मौखिक समर्थन मिला था, कुछ लोगों ने लिखित भी दिया था, और इस पूरे फैसले को उनका सरकार के मंत्रियों का कहना यह था कि लगभग सभी पार्टियां इस फैसले को मान रही हैं। लेकिन देखना यह है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं क्या इस फैसले को स्वीकार करती है। लेकिन जो राजेश, जो इंपॉर्टेंट बात यह है वो ये कि इस झारखंड सरकार ने जो आज स्थानीय नीति जो लागू किया है, इस स्थानीय नीति में जो आम लोग जिनको फायदा होने वाला है वो कौन लोग होंगे, जिन्हें झारखंडी होने का मौका मिलेगा, जिनके पास अपना डोमिसाइल होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए कि सिर्फ सरकार ने पहले ये डिफाइन किया है कि 30 साल यानी आज से 30 साल यानी 30 साल पहले से जो लोग रह रहे हैं वो झारखंडी होंगे, जिनका जिन्हें डोमिसाइल माना जाएगा, झारखंड का डोमिसाइल दिया जाएगा, यानी लगभग 85 एंड और 86 का जो स्टार्टिंग ईयर है वो उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जो क्लियर किया गया है इसमें, जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि ऐसे लोग जो झारखंड के निवासी हैं, जो व्यापार नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य में पिछले 30 साल या उससे अधिक से निवास करते हैं वो झारखंडी माने जाएंगे या उनके संतान को। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि झारखंड की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले वैसे सभी व्यक्ति जिनका स्वयं अथवा पूर्वज के नाम गत सर्वे खतियान में दर्ज हो वैसे लोगों को झारखंडी माना जाएगा, यानी जो जिनके पास पिछला खतियान हो उनको झारखंडी मानेगी सरकार। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है वो ये राजेश दिया गया है कि झारखंड राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगम आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी कर्मचारी या उनके पत्नी पति या संतान हो। फोर्थ पॉइंट दिया गया है, भारत सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी पति संतान हो। फिफ्थ दिया गया है, झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक अथवा विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी पति या संतान हो। और सिक्स्थ दिया गया है, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एवं समकक्ष स्तर पर पूरी शिक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से पूर्ण की हो। यानी ये 6 कैटेगरी बताई गई है और जो इन 6 कैटेगरी को फुलफिल करता होगा उसे झारखंडी मानेगी सरकार, और आने वाले 10 सालों में जो इन कैटेगरी को फुलफिल करेगा उसे ही झारखंड में जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें उन्हें नौकरी दी जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, तो सरकार ने कुछ पैमाने दिए हैं, सरकार ने बताया है कि किन किन लोगों को स्थानीय माना जाएगा। लेकिन हम फिर से विपक्ष की बात करते हैं, जो तेवर देखा था आपने विधानसभा के बजट सत्र में, क्या आपको लगता है कि आसानी से स्वीकार होगा खासकर जेएमएम को? देखिए, सिर्फ जेएमएम की बात ही नहीं है राजेश, आप कांग्रेस की बात करिए या फिर जेवीएम की बात करिए या तमाम जो आदिवासी संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, क्या वो इस फैसले को स्वीकार करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा के भीतर की बात करें या विधानसभा की बाहर की बात करें, कई सामाजिक संगठन, आदिवासी जो मूलवासी संगठन है या फिर जो क्षेत्रीय पार्टियां, वो लगातार यही सवाल उठा रही थी कि स्थानीय नीति के नाम पर जो मूलवासी है, आदिवासी है, उनके हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जो कट ऑफ डेट दिया गया 85 एंड और जो 86 समकक्ष जो दिया गया, यानी 30 साल पहले की जो बात कही गई है,
क्या इस कट ऑफ डेट को ये लोग मानने को तैयार होंगे, क्योंकि लगातार जो आदिवासी हैं वो ये मांग कर रहे थे कि जो पिछला जो खतियान है उसको लागू किया जाए या 1936 का खतियान को लागू किया जाए, उस आधार पर दिया जाए। तो अब यहाँ पर जो है तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जो मूलवासी और जो आदिवासियों के नाम पर राजनीतिक परंपरागत राजनीति करते आई हैं उन पार्टियां, वो ऐसी पार्टियां जो है चाहे वो जेएमएम हो या फिर तमाम दूसरी पार्टियां हैं, वो इस पूरे मुद्दे को किस तरह से इस समाज और संगठन के बीच में ले जाती है, जनता के बीच में ले जाती है, और कैसे इस पूरे मुद्दे को लेकर के विरोध की रणनीति तैयार करती है या फिर एक्सेप्ट कर लेती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि थोड़ी देर के बाद जो सिचुएशन है जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो है उनके तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं जो राजेश वो आने लगेंगी, और देखना यही होगा, दिलचस्प होगा कि सरकार के इस फैसले से क्या वो लोग सहमत हैं, क्योंकि सरकार का कहना है कि तमाम पार्टियों ने अपनी सहमति दी थी, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस फैसले पर क्या कहती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार बिल्कुल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो तमाम सियासी पार्टियां हैं झारखंड में उसकी क्या राय है इस फैसले के ऊपर। मनीष, जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा फैसला होता है तो तमाम पार्टियों से राय ली जाती है, तमाम बड़े नेताओं से भी उनकी राय ली जाती है। अगर फैसले की टाइमिंग की बात करें तो जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि गोड्डा में जो उपचुनाव होने वाला है उसका कितना कुछ असर होगा, अगर फैसले की टाइमिंग को देखें। बिल्कुल असर होगा, आप देखिए कि पिछला जो मुख्यमंत्री रघुवर दास के कमान संभालने के बाद झारखंड में जब बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ सत्ता में आई थी, आप देखिए कि जो पहला बाई इलेक्शन जो कि लोहरदगा में हुआ था वहां पर सत्ताधारी दलों को भारी मतों से हार का सामना करना पड़ा था, और उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये कह करके सफाई दी थी कि ये सहयोगी दल की लड़ाई थी, वहां पर कैंडिडेट बेहतर नहीं था, बीजेपी ने तो गठबंधन धर्म को फॉलो किया था, माना था, हमने कोशिश भी की लेकिन हार हो गई, कोई बात नहीं है, इसके सरकार की सेहत पर असर नहीं करेगा। लेकिन गोड्डा में राजेश बीजेपी के कैंडिडेट थे, बीजेपी के विधायक थे, और वहां पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, और अगर गोड्डा में भी अगर हार होती है तो इसका सीधा जो असर है वो सरकार की सेहत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि कई सवाल जो है वो सरकार के भीतर से भी उठेंगे, संगठन के अंदर से भी उठेंगे कि आखिर जो 1.5-2 साल का जो अंतर है, जो सत्ता सरकार का जो कामकाज है उसको क्या जनता एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि लगातार एक के बाद एक हार हो रही है। यही वजह है कि इस निर्णय के जरिए गोड्डा बाई इलेक्शन में इंपैक्ट डालने की पूरी कोशिश मानक कही जा सकती है, लेकिन देखना यह है कि विपक्ष इस फैसले को किस तरह से लेता है और यह फैसला जो है गोड्डा बाई इलेक्शन में कितना इंपैक्ट डालता है, और बीजेपी जिस तरीके से तैयारी कर रही है निश्चित तौर पे इसे गोड्डा बाई इलेक्शन में देखने वाली बात होगी कि इस फैसले का असर गोड्डा के चुनाव पर कितना होता है, और सबसे अहम होगा सहयोगी पार्टियों की राय, तमाम बड़े नेताओं की राय और खासकर विपक्ष की राय, जिसके बाद ये हमें पता चल पाएगा कि आखिर जो स्थानीय नीति है सरकार की इस पर विपक्ष की राय क्या है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और जो आप लगातार बता रहे थे कि किस तरीके से आखिर लंबे जद्दोजहद के बाद आखिर सरकार ने और झारखंड की कैबिनेट ने स्थानीय नीति पर फैसला लिया है, अब देखना यह होगा कि इस फैसले को सियासी पार्टियां किस रूप में देखती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी पुरवैया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।